हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो V35G फ़ोन है, तो वीवो V35G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर इनकमिंग कॉल नोट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इनकमिंग कॉल नोट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को आप कैसे ठीक कर सकते हैं अपने अपने वीवो V30 प्रो 5G फ़ोन में, और कैसे अपने फ़ोन में V30 5G फ़ोन में कैसे इनकमिंग कॉल नोट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं आपके फ़ोन में, देख सकते हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपके पास ऑप्शन आता है आपके पास सेटिंग्स का। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो इनकमिंग कॉल नोट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने फ़ोन में इनकमिंग कॉल नोट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को, तो देख सकते हैं कि सेटिंग्स शो हो रही है। तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐप सेटिंग्स, तो ऐप सेटिंग्स से शो हो जाएगी, जहाँ से आपको शी ऑल ऐप्स पे चले जाना और शी ऑल ऐप्स पे जाकर फ़ोन आइकन्स को यहाँ से ढूंढ लेना। तो फ़ोन आइकन्स पे जाकर आप इनकमिंग कॉल नोट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाएंगे। सिंपली आपके पास सेटिंग्स आ रही है, देख सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्टोरेज कैश, तो इस पर जाकर डाटा क्लियर कर देना है। फिर उसके बाद आपको बैक करते हुए परमिशंस पे जाना है, जहाँ से कॉल लॉक परमिशंस को ऑन कर देना है, और साथ में ही नोटिफिकेशन परमिशंस भी अलाउ कर देनी है, जिससे आपकी माइक्रोफोन की जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाएगी और कॉल्स वगैरह आपके फ़ोन से जाने लगेगी। तो इस तरीके से इनकमिंग कॉल नोट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वीडियो चाहिए तो लाइक